करना है तो ठीक है। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, यानी भारत का आर्थिक इतिहास, ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये जो ब्रिटिश, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, आप यहां कह सकते हो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब यहां से सवाल जो आते हैं, मतलब जो ब्रिटिश काल था उसमें भारत का आर्थिक इतिहास के बारे में सवाल आते हैं। अब यहां ध्यान देना है, आपका यूपीएससी का जो सिलेबस है वो ज्यादा है, हमें पढ़ना है हरियाणा, और हम पहले ही फर्स्ट क्लास से ही आपको बता रहे हैं ये चीज कि हमें इतना ही पढ़ना है जितना में पास हो जाए। लेकिन कई चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आप अगर अच्छा से प्री पढ़ते हो तो मेंस में भी काम आएगा, हालांकि मेंस में फिर जाके इसी को क्या है थोड़ा विस्तार से पढ़ना है, पता है आपको। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है, तो एक तो सबसे पहले जो है सिलेबस आप नोट कर लीजिएगा, इसके अंदर हमने 5 यूनिट में डिवाइड किया था इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को, हमने 2 यूनिट पढ़ लिया। एक तो अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यानी यूरोपियनों का आगमन, और दूसरा है कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, है ना, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ये तीसरा है पॉलिसीज, और उस पॉलिसीज में है आपको जो पढ़ना है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज, फिर प्रेस, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस वगैरह, ये सब। अब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब यहाँ है, आपने सुना होगा लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म। लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म का मतलब क्या है, भू राजस्व सुधार। और इसमें आपको पता होगा जैसे परमानेंट सेटलमेंट, इसको जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, हालांकि दोनों अलग अलग है। दूसरा है रैयत वारी, ये साउथ इंडिया में है, और एक है महाल वारी, ये महालवारी सिस्टम है। अब यहाँ से सवाल पूछेगा, सबसे अधिक जो सवाल आएंगे आपके यहाँ से आएंगे, इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है ब्रिटिश काल का सबसे अधिक आएंगे, इससे सवाल आएंगे। और मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा दूंगा, पहले बेसिक समझाने के बाद, उससे बाहर नहीं है, केवल एक फ्लो चार्ट। दूसरा जो है आपका सवाल जो आएंगे वो आएगा एक बहुत छोटा सा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी आप इसको हिंदी में कहते हैं धन का निष्कासन, निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना। जैसे इंडिया से बाहर गया धन ब्रिटिश में, तो केवल धन नहीं गया, हम जो टर्म का यूज करते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, लेकिन आप ये जान लीजिए रॉ मटेरियल भी गया, फूड ग्रेन भी गया, और पैसे भी गए, लेकिन उसके बदले में कुछ आया नहीं। जैसे आप सामाजिक जीवन में भी होता है कई बार कि एक तरफ से, सबसे अच्छा उदाहरण तो वही है कि आपका एक तरफ से ड्रेन होता है, इसको स्पेयर नहीं करेंगे, बदले में कुछ आता नहीं है, तो वो भी बहुत अच्छा ड्रेन है, और यहाँ तो होता ही है, समझ गए होंगे। हाँ बस तीसरा जो है जो हमें पढ़ना है, हाँ, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, लेकिन इसे हम लोग केवल कॉन्सेप्ट के बेस पे समझेंगे, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट मतलब हाँ शिल्प का पतन, ये मेंस में आएगा, प्री में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट। कई बार क्या होता है, आप एग्जाम दो, हरियाणा में तो एक लाइन का आ रहा है, हमने पहले भी क्लास में बताया, हम एक स्टेप आगे पढ़ लेंगे। हमेशा एग्जाम देने जाओ तो आप क्या होता है ना, आप कई बार एग्जाम देते हो गए, देखते हो गए, एग्जाम देने गए, पिताजी ट्रेंड बदल गया, तो ट्रेंड बदला कैसे, वो एक स्टेप आगे पूछ देता है या एक स्टेप पीछे पूछ देता है। आपकी अच्छी तैयारी वही होती है जो आप जो आया है उससे एक स्टेप पीछे और एक स्टेप आगे पढ़ कर जाओ। हो सकता है हम ना पढ़े और एग्जाम में आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज या आर
रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में हस्तशिल्प के पतन के निम्न में से क्या कारण थे? अगर हम केवल रीजन देख ले या इसको देख ले इम्पैक्ट अच्छा तो नहीं हुआ। देखिए इम्पैक्ट होता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, और इम्पॉर्टेंस हमेशा होता है पॉजिटिव सेंस में। तो यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा, लेकिन निगेटिव ज़्यादा हुआ। अगर हम 4-5 पॉइंट देख लेंगे तभी खुदा ना खास आ गया हमारा एक सवाल बन जाएगा। बस ये आपको सोचना है, किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है और भागना भी नहीं है कि हम पूरा पढ़ ले और आ जाएगा तो हम तोड़ देंगे फोड़ देंगे, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा बहुत आप संतुष्ट हो जाइए कि नहीं आएगा, आएगा तो हम नहीं करेंगे, जाओ बहुत सारा करने के लिए है, आएगा ही नहीं। आप सोचो नहीं आएगा तो नहीं आएगा, हमें पता है ना नहीं आएगा। और मेरे नोट्स के अलावा NCERT के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आप नए हो बता रहे हैं, केवल मेरा नोट्स पढ़ना है नहीं, और NCERT पढ़ सकते हो, बस उसी में से आ जाएगा सब 100%। 1% भी इधर नहीं, अभी 1-2% हो सकता है, लेकिन मेरा तो प्रयास यही रहेगा आप लोग के लिए। क्वेश्चन अगर बना लोगे टेस्ट सीरीज वगैरह तो फंस जाएगा। अब देखो ये हो गया, अब एक है आप देखना कृषि का वाणिज्यकरण यानी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखिए कृषि का, अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा के लिए, क्योंकि कमर्शलाइजेशन जो हुआ उसमें पंजाब भी था, आज हरियाणा है, 1966 में बना वो तो पंजाब ही था, और या वेस्टर्न यूपी है या महाराष्ट्र का बेल्ट था, अभी गुजरात हो गया 1960 में, और ईस्टर्न बंगाल जो आज बांग्लादेश है, कुछ आंध्रा का बेल्ट था, गोदावरी और कृष्णा का बेल्ट, तो वहाँ पे कैश क्रॉप हुआ। तो आपसे पूछ देगा कारण, हमें पढ़ना है रीजन, केवल पॉइंट में समझ जाना है, नहीं भूलोगे जीवन में। और ये ऐसा टॉपिक है कि मेंस में यही पढ़ना है थोड़ा। हाँ बस दूसरी बात, कैश क्रॉप जो हुआ तो आपको मिलान करने मैच करने के लिए आएगा कि अंग्रेज ने जैसे चाय की खेती शुरू हुई दार्जिलिंग वगैरह में है ना, असम में, तो चाय की खेती तो कंपनी बनी, पूछेगा कंपनी किस साल बना? पहली बार इंडिया से जो एक्सपोर्ट हुआ टी या टी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ कब हुआ, ऐसे करके पूछेगा, एकदम फिक्स्ड है ना। तो ये पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है आप देखिएगा रेलवे का डेवलपमेंट, एकदम छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि भाई जैसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर था है ना, और जो है सबसे पहले कहाँ बना, तो ये कहने का तो बहुत आसान है, लेकिन ये बताइए आपके हरियाणा में ऐसा तो नहीं है कि बहुत टफ सवाल आ रहे हैं, और वही सवाल तो नहीं बन रहे हैं लोगों से। तो एग्जामिनेशन में मैं कई बच्चों को देखता हूँ जब आप पढ़ते हैं हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट, तो होता क्या है, हमने पढ़ा अरे रेलवे का डेवलपमेंट, ये तो पता है बम्बई से थाने, कई बार वही गलत हो जाता है कि 1853 वो 54, तो उसे थोड़ा आगे बढ़ जाओ कि पहली बार जो एक्सपेरिमेंट हुआ तो रुड़की में हुआ था, और दूसरा जो चला कलकत्ता से रानीगंज, तो पहला नहीं पूछेगा आपसे, दूसरा कब पूछा, वो दूसरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता से रानीगंज तो वो पूछ देगा आपसे। तो यहाँ अच्छा रेलवे बोर्ड, जैसे 1905 में रेलवे बोर्ड बना रॉबर्टसन कमिटी के, पहले रेलवे का बजट अलग होता था, फिर एक हुआ फिर अलग हो गया, अभी तो एक, अभी सब मर्ज कर दिया गया, तो दो बार हुआ ऐसा। तो ये है कि कब हुआ पहली बार, जो जनरल बजट है उससे सेपरेट किया गया है ना, तो ये सब पढ़ना है आपको, बहुत छोटा सा चीज़। तो हम जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको ध्यान देना है कि उस टॉपिक में सब टॉपिक कौन है, तभी तो आगे पढ़ेंगे, कि मैं आया मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, अभी बोले पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। अब देखिए अब एक जो चीज है वो है आपके लिए है ना, वो क्या है, फेमाइन, अकाल, और अकाल से क्या है कमिटी। हम अकाल के बारे में बता देंगे कि इंडिया में जो आया ड्यूरिंग ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश रूल के समय
वो एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। ये जो अकाल था ये नेचुरल से ज्यादा क्या था, आर्टिफिशियल था, प्रोजेक्टेड आर्टिफिशियल था। तो वो आपसे कारण नहीं पूछेगा, मेंस तो है नहीं, वो क्या पूछेगा पता है, कमिटी। देखिए कैंपबेल कमिटी, स्ट्रेची, मैकडोनल्ड है ना, वुडहेड, तो बहुत सारे कमिटी बनी। तो इससे जो हमें फोकस करना है क्या, कमीशन या कमिटी जो कहिए, ये सेवन, ये जो है लिमिटेड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब सीमित जो है आप कह सकते हो औद्योगिक विकास। ब्रिटिश काल में औद्योगिक विकास बहुत सीमित हुआ। अब आप बोलोगे सर देखो क्या है, हम क्यों बोलते हैं कि मैक्सिमम सवाल क्यों आएंगे, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, मुझे पता है। अब ये आपको लग रहा होगा आप पढ़ने के दौरान इसको नहीं पढ़ोगे, लेकिन हम बताएं क्या पूछेगा। सबसे पहले सूती वस्त्र शुरू हुआ था, कॉटन सक्सेस नहीं हुआ, फिर कागज का इंडस्ट्री शुरू हुआ, साबुन का। पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री जो है फ्रीडम फाइटर वो स्टार्टेड स्टॉप जो है इंडस्ट्री साबुन का, उन्होंने फोकस किया, राम मोहन राय जैसे आदमी ने फोकस किया इंडस्ट्री सेटअप के। तो रानाडे का नाम सुने होंगे आप लोग, तो रानाडे ने मतलब लोगों को बोला इंडियन को कि आप इन्वेस्टमेंट करो यहाँ पे, उन्होंने बनाया। जैसे पीएनबी की स्थापना हुई, भाई लाला लाजपत राय ने किया पीएनबी की स्थापना। तो ये जो बस छोटे छोटे टॉपिक हैं, दो चार सवाल बनेंगे, आएंगे तो वही आएंगे, वरना नहीं आएंगे, समझ रहे हैं ना आप। सब आप क्वेश्चन के नेचर को समझिए, कुछ टॉपिक छोटे होते हैं, आएंगे तो वही आएंगे, ठीक है। ये सब था और हम अब टॉपिक शुरू करते हैं। पहला देखिए, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म, कुछ नहीं आएगा समझ में, पूछना है भू राजस्व सुधार। अब देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं परमानेंट सेटलमेंट, तो क्या कहते हैं, स्थाई बंदोबस्त। लेकिन पहले इसको समझ लीजिए, इसके बाद मैं क्या नाम, जमींदारी सिस्टम। अब देखिए अब सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए, तो कभी जीवन में भूलिएगा नहीं, रटने की जरूरत नहीं होगी। और अभी मैं जब तीनों बता दूंगा, परमानेंट, रैयतवारी और महलवारी, तो एक फ्लो चार्ट बना देंगे, लास्ट में बस वही पढ़ना है। अब देखिए आप तीनों चारों बच्चे जो है, बाकी आप भी सब सारे बच्चे थे, आपको याद होगा कि हमने जब पढ़ाया था यूनिट फर्स्ट, तो बताया हुआ कि बंगाल जो है एक बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764, याद है 22 जो है अक्टूबर। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, पता होगा, सवाल भी आ सकता है कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सी ट्रीटी हुई। तो जो इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी उसमें एक हुई थी क्या, दीवानी का राइट्स मिला था, यानी द मुगल एम्पायर शाह आलम सेकेंड ग्रांटेड द राइट्स ऑफ दीवानी टू द ब्रिटिशर्स अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की प्रथम संधि, दो संधि हुई थी, एक हुआ था बंगाल के नवाब से है, दीवानी को आप बता रहे, शब्द जो टर्म यूज होगा दीवानी, और ये जो टर्म होगा बेटा दीवानी राइट टू कलेक्ट टैक्स है ना। हाँ, ये लैंड का जो टैक्स था, लैंड रेवेन्यू नहीं, वो राइट टू कलेक्ट टैक्स केवल उस समय सबसे बड़ा स्रोत जो था, सोर्स था इनकम का, वो लैंड रेवेन्यू था। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि केवल लैंड, मतलब बंगाल बिहार उड़ीसा बैटल ऑफ बक्सर के बाद वो इनके कब्जे में आ गया, इनके कंट्रोल में। तो ये जो है ये क्या किया कि मुगल जो है शाह आलम सेकेंड ने इनको राइट दिया, क्योंकि भाई जो मेजर जो अथॉरिटी था वो तो मुगल थे, शाह आलम सेकेंड भले ही कमजोर हो
ना, मेन तो वही है। तो उसने राइट, अगर दीवानी आएगा तो राइट टू कलेक्ट टैक्स।